आज का दोस्तों यह वीडियो काफी डरावना वीडियो है और यह वीडियो हर इंसान देखना चाहता है और हर इंसान इसके बारे में जानना चाहता है। आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या डायन सच में होती है या डायन भूत प्रेत चुड़ैल क्या होती है या नहीं होती है, इसके बारे में दोस्तों आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं और दोस्तों कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं डायन के बारे में जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आप एक बार पूरा जरूर देखना, आप नया कुछ जरूर सीख जाओगे। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं डायन क्या होती है। डायन के बारे में आपने बखूबी सुना होगा। डायन शब्द हमारे दिमाग में आते ही हम समझने लगते हैं कि डायन एक भूत होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। डायन एक भूत नहीं होता, वरना डायन एक महिला होती है। डायन शब्द लगभग भारत के हर हिस्से के अंदर प्रचलित है। यह शब्द कैसे प्रचलित हुआ, आज ये सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों आपके मन में पहला सवाल यही उठ रहा होगा, तो आपको बता दें कि विभिन्न मान्यताओं के अनुसार डायन एक महिला होती है और आम तौर पर वह एक जिंदा महिला होती है। एक कुमारी लड़की को डायन नहीं माना जाता है। जब किसी महिला की शादी हो जाती है और उसके बाद उसके बच्चे नहीं होते तो वह डायन बन जाती है, लेकिन वास्तव में यह सच नहीं था। डायन बनने का संबंध बच्चे ना होने से प्राचीन काल में रहा होगा, लेकिन हर महिला ऐसा नहीं करती थी। यदि हम यह कहें कि डायन एक ऐसी महिला होती है जो जादूगरनी होती है और बच्चे पाने के लिए या ऐसे ही डायन साधना करके डायन बन जाती है या उसके अंदर अलौकिक पावर आ जाता है। दोस्तों जहां तक मुझे ज्ञात हो सका है डायन एक जिंदा महिला होती है, लेकिन चुड़ैल एक मरी हुई महिला होती है। चुड़ैल एक आत्मा होती है, लेकिन डायन एक आत्मा नहीं होती है। हालांकि चुड़ैल और डायन में कुछ समानताएं हैं, जैसे चुड़ैल अपना रूप बदल सकती है तो डायन भी एक सीमा तक ऐसा कर सकती है। दोस्तों राजस्थान में एक डायन की कहानी बहुत प्रचलित है। इसी संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो मिरान गांव जो राजस्थान के अंदर पड़ता है वहाँ की लोक कथा है जिसको बहुत से लोग रियल मानते हैं। इसी गांव के अंदर एक महिला रहा करती थी, हालांकि मुझे उसका नाम कोई नहीं बता सका। कथा के अनुसार महिला के 7 पुत्र थे। उस महिला के बारे में सबको पता था कि वह डायन है। एक दिन गांव के अंदर ही किसी को 2 पुत्र हुए। जब वे लड़के थोड़े बड़े हुए तो वह एक दिन डायन ने उसके घर गई और दोनों में से एक पुत्र को गोद में लेकर खिलाने लगी और कुछ समय खिलाने के बाद उसे छोड़कर वहीं चली गई। बाद में वह बच्चा मर गया और घर वालों ने उसे शमशान के अंदर दफना दिया। उसके बाद एक दिन वह डायन फिर उसी घर के अंदर आई और फिर एक बचे हुए बच्चे को खाना खिलाने लगी। अब की बार भी उसने बच्चे को वैसे ही मार दिया, लेकिन यह बात घर वालों को पता चल चुका था कि वह डायन ही उस बच्चे को मारा है। तब जाके घर वालों ने एक तांत्रिक को लेकर आए। तांत्रिक ने भी वही बात बताया जो घर वालों पहले से जानते थे। उसके बाद तांत्रिक अपनी बात को सिद्ध करने के लिए रात में उस वक्त शमशान में सबके साथ गया जब डायन बच्चे को खिला रही थी। उसने सबको दिखा दिया कि डायन ने ही बच्चे को कलेजा निकाल कर मार दिया है। इस कहानी के अंदर बच्चा वापस जिंदा नहीं होता है। उसके बाद महिला की बहू ने अपने पतियों से कहा कि आपकी माँ डायन है, लेकिन बेटों ने किसी की भी बात नहीं मानी। फिर एक दिन जब डायन रूप बदल कर कहीं गई थी तो उसके कपड़ों को बहुओं ने छुपा कर रख दिया। उसके बाद जब डायन मांस खाने के लिए किसी दूसरे के घर में बिल्ली के रूप में थी तो उसका मुंह जल गया। जब वह बिल्ली बनी वापस आई तो उसे अपने कपड़े नहीं मिले तो म्याऊं म्याऊं करती घूमने लगे। तब बहुओं को पता चल चुका था कि उसकी सासू माँ आ चुकी है। उन्होंने कपड़े बाहर फेंक दिए। तब डायन ने अपना रूप बदल लिया और वापस औरत बन गई।
और इतना तो आप ही जानते होंगे कि कोई भी चीज जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वह हर जगह पर नहीं फैल सकती है। झूठ लंबे समय तक टिक नहीं पाता है। बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि डायन एक अंधविश्वास था, लेकिन उसको नहीं पता कि डायन अंधविश्वास नहीं वरना सच था। हाँ, अब यह सच नहीं रहा है। यदि आप नजर लगने में विश्वास करते हैं तो आपको पता होगा कि महिलाओं की नजर ही क्यों लगती है। यह नजर लगना भी एक डायन से जुड़ा तथ्य है। डायन इसी हथियार का प्रयोग बच्चे को मारने में करती थी। कुछ महिला आज भी ऐसी होगी जो अपनी नजर के बुरे प्रभाव से किसी बच्चे को बीमार बना सकती है और उसका जान ले सकती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको डायन के बारे में यह जानकारी जानकर आपको अच्छा लगा होगा। हमेशा रहस्य भरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।